तो दोस्तों नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं हमारी लोकल मंडी कालांवाली में, और जहां पे एक फीड फैक्ट्री है, और हम जहां पे आपको बताएंगे कि बकरियों के लिए जो फीड, जो दाना तैयार किया जाता है वो कैसे किया जाता है, और बकरियों के लिए जो भी आपने फीड तैयार करवानी है वो भी आपको एक बजट में तैयार हो, कम खर्चे, तो वो कौन कौन से कंपोनेंट है वो आपने अपनी बकरियों के लिए जो फीड बना रहे हो उसमें ऐड करने हैं, ताकि वो आपको कम खर्चे में एक बढ़िया, एक संतुलित भोजन, मान लो संतुलित फीड आपको तैयार हो जाए, और उसके बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और पहले भी बहुत से फार्मर के हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट आए कि ऐसी वीडियो बनाओ, तो आज उसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, और बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखना है। तो आपको इस वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, जहाँ पे आप देख रहे हो कि फीड मिल है, मशीनें लगी हुई हैं, इसमें कैसे कैसे वर्किंग होती है, प्रैक्टिकली सारा बताया जाएगा, कैसा इनमें दाना तैयार होता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात और बता दें, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से। देखिए, फीड बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक मार्केट में आप देखते हो कि फीड आती है कि गाय भैंस के लिए भी बनाई जाती है, और एक बकरियों के लिए फीड है जो आज हम तैयार कर रहे हैं, और इन दोनों में क्या फर्क होता है? क्योंकि जो गाय भैंस के लिए फीड आती है मार्केट में, वो आपको उसमें जो भी कंपोनेंट डालते हैं, चाहे वो अनाज है, चाहे उसके लिए फाइबर है या खड़ी है, तो उसमें उसको ज़्यादा ग्राइंड किया जाता है, यानी कि बिल्कुल बारीक किया जाता है, उसको आटा बनाया जाता है, आटा बनाकर डाला जाता है, क्योंकि उसको हम उबाल के भी खिला सकते हैं गाय भैंस को, और उसको हम भिगो के भी खिलाते हैं। पर जो बकरी है, बकरी के लिए आपने इसकी जो फीड है ज़्यादा बारीक नहीं करनी, और इसका बिल्कुल आटा नहीं बनाना, इसको थोड़ा मोटा मोटा ग्राइंड करना है, जैसा कि दलिया आप देखते हो मार्केट में आता है, वैसे ही आपने जो भी जहाँ पे अनाज रखे हुए हैं, जो भी कंपोनेंट है फीड के, एक 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 के बारे में हम बताएंगे, और आपको कितनी मात्रा डालनी है उसके बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे, और इसको आपने मोटा मोटा ग्राइंड करना है और ज़्यादा बारीक नहीं करना। अगर इसका आटा बनेगा तो उसको खाने में प्रॉब्लम होगी, और बहुत सी प्रॉब्लमें उसके, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी इससे क्या है कि प्रभावित होता है, तो आपने इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आगे मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट है जो ऐड करने हैं। जैसे कि आपको पहले ही बहुत सी वीडियो में हमने चर्चा की है कि जो भी आप बकरियों की फीड बना रहे हो, तो उसमें कितने परसेंट अनाज होना चाहिए और कितने परसेंट उसमें खली होनी चाहिए, और फाइबर भी उसके डाइजेशन के लिए उतना ही जरूरी है कि जितना कि हम उसको अनाज दे रहे हो, प्रोटीन दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट है, तो वैसे ही आपने आज यहाँ पे सारे जो कंपोनेंट है रखे हुए हैं। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो भी आपने अनाज इसमें ऐड करने हैं उसकी कितनी मात्रा डालनी है। देखिए, फीड बनाने में आपने जो भी अनाज का इसमें इस्तेमाल करना है, जहाँ पे तीन अनाज रखे हुए हैं, गेहूं है, मक्का है और जौ है, और इसमें आपने जब फीड बनानी है तो एक मॉइस्चर का ध्यान रखना है कि आपके जो अनाज है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो उसका फीड के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि फीड ख़राब होने का खतरा रहता है। और मॉइस्चर चेक करने का आपको एक मैं आसान सा तरीका बता देता हूँ। अगर जो आप जो मक्के का जो एक ग्रेन है, दाना है, देख रहे हो, अगर इसकी बैक साइड जो ग्लूटेन है, इसका बैक साइड का हिस्सा है, अगर ये ब्लैक कलर का है, हार्वेस्टिंग के बाद आप लेके आते हो फीड के लिए, तो अगर ये ब्लैक कलर का है तो इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। अगर ये बिल्कुल जैसे वाइट कलर जो देख रहे हो मेरे हाथ में, तो वाइट कलर का है, यानी कि ये बिल्कुल सूखा हुआ है, इसका मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल सही है, तो ऐसा आप मक्का अपनी फीड के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, जो यूपी और बिहार से मक्का आता है उसका मॉइस्चर कंटेंट बढ़िया होता है और सूखा होता है और बिल्कुल वाइट मक्की होती है। जो पंजाब से आती है उसमें क्या है कि वो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हम उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक क्या है कि स्टोर करके नहीं रख सकते, इसलिए इसी में बेहतरी है कि आप यूपी और जो बिहार से मक्का आता है उसका ज़्यादा यूज़। तो हो गया कि हमने आपको अनाज के बारे में बता दिया, और उसके बाद आपने इसको जानवर को अच्छा अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिले, जैसे कि हमारे पास कई बार दुधारू पशु होते हैं, उनकी मिल्क की प्रोडक्शन हमने इंक्रीज़ करनी है कि मिल्क की प्रोडक्शन अच्छी हो, तो उसके लिए हम उसमें कुछ खली ऐड करते हैं। यहाँ पे तीन तरह की खली रखी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो बिनौला खल है जो कि इसको कॉटन सीड केक के नाम से भी जाना जाता है, और जो दूसरी है मस्टर्ड केक, सरसों की खली, इसका भी आप फीड में इस्तेमाल कर सकते हो, और तीसरी है जे सोयाबीन की खली, इसको डीओसी के नाम से भी बोला जाता है, इसको डीओसी के नाम से भी जाना जाता है।
इन तीनों खलियों में से आप जो भी आपको कम प्राइस में मिले उसका आप यूज़ कर सकते हो। चाहे आपको इनमें से दो मिलती है तो दो भी आप इसमें फीड में इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके बाद हम फाइबर की बात करें, फाइबर इसके प्रॉपर डाइजेशन के लिए हम दो तरह के फाइबर यूज़ करते हैं। एक तो आप ये देख रहे हो कि चने का छिलका आपको हर फीड मिल में, हर फीड फैक्ट्री में मिल जाएगा आपको, और इसका इस्तेमाल आपने फाइबर में यूज़ करना है। और इसके बाद जो गेहूं का छिलका होता है इसको चोकर बोल देते हैं, चोकर गंदम, इसका भी आप इस्तेमाल फाइबर के रूप में अपनी फीड में कर सकते हो। और इसके अलावा आप एक इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जैसे कहीं पे भी आपको दालों की जो चनी है यानी कि उनकी टूट होती है बारीक, वो वेस्टेज मिलता है, आप वो भी इस फीड में, वो भी आप बकरियों की फीड में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप ये मूंग की जो चनी है वो देख रहे हो, और इस साइड में मेरे हाथ में ये चने की है, चने का जो बारीक टूट होती है वो है, ठीक है, इसको आप एक प्रोटीन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक क्विंटल फीड जो आपने बकरियों के लिए बनानी है उसमें कौन कौन सा मटेरियल डालना है उसके बारे में बताएंगे। और उसमें कुछ हम कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ पाउडर होते हैं जिसका कि बहुत बढ़िया रोल रहता है फीड में, कुछ होते हैं कि उसके डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं, कुछ उनमें जो मिनरल्स और विटामिन्स की कमी होती है उसको पूरा करते हैं, और वो आपने कितनी मात्रा में डालने हैं वो भी हम आपको बताएंगे जी, हमारे सामने पड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें जी नमक है इस बैग में, और आपने एक क्विंटल फीड के लिए इसको 1 kg तक इसका इस्तेमाल करना है। और जो एक बाईपास फैट है, अगर हम देखते हैं कि कुछ जानवर ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और उनको खाया पिया उसकी बॉडी को नहीं लगता, तो आप ये बाईपास फैट होता है उसका भी इस्तेमाल अपने फीड में कर सकते हो। इसकी मात्रा 1 kg तक होती है एक क्विंटल फीड में। देखिए बाईपास फैट के रिगार्डिंग बहुत से हमारे पास कमेंट्स भी आए और सवाल भी किए फार्मर ने भी, क्या होता है इसको, कितना डालना चाहिए और किस कंपनी का मिलता है। जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो फैट प्रो के नाम से आपको बाईपास फैट है जो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, और ये आपको जे आपको हेस्टर कंपनी का मिल जाएगा। और मार्केट में बहुत से ऐसे बाईपास फैट मिल जाते हैं आपको मेडिकल स्टोर पे, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। अच्छी क्वालिटी का आपने बाईपास फैट लेना है और एक क्विंटल फीड में आपने 1 kg तक इसका इस्तेमाल करना है। ये देखिए जहाँ पे देख सकते हो हेस्टर कंपनी का आप बाईपास फैट ले सकते हो। देखिए पहले वाली वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया था कि खनिज मिश्रण का बकरियों के खाने में कितना महत्व होता है, तो आपने ये बकरियों की जो फीड बना रहे हो चाहे दूसरे जानवरों की फीड बना रहे हो उसमें ये मिनरल मिक्सचर पाउडर का आपने उपयोग जरूर करना है, क्योंकि इसमें जो भी मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जो बकरियों की बॉडी में, इसकी अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसमें बहुत सी बीमारियां उनको अटैक करती हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम कभी ना आए तो आपने जो मिनरल मिक्सचर बढ़िया कंपनी का मार्केट से लेके, या फिर अपना जो एरिया स्पेसिफिक होता है यूनिवर्सिटीज़ बनाती हैं वो भी आप फीड में डलवा सकते हो। इसकी डोज 1 kg तक होती है एक क्विंटल फीड में। देखिए इसके प्रॉपर डाइजेशन के लिए आप फीड में बकरियों के हाजमे के लिए, बकरियों का हाजमा सही रहे और उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो तो उसके डाइजेशन के लिए आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो। ये मेरे हाथ में है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको खाने का सोडा ही बोल देते हैं। इसकी मात्रा आपने फीड में एक क्विंटल फीड में 1.5 kg तक इसका इस्तेमाल करना है। देखिए ये बैग में आप जो पाउडर देख रहे हो ये है कैल्शियम पाउडर। अगर आप उनको बकरियों को डायरेक्ट कोई कैल्शियम किसी भी कंपनी का नहीं पिला रहे तो आप फीड में भी कैल्शियम पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये 1 kg जो पाउडर है एक क्विंटल फीड के लिए। देखिए जो भी हम फीड में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले जो पाउडर डालते हैं, ठीक है, इनकी डाइजेशन के लिए हो गया, या फिर जैसे मिनरल मिक्सचर है, कैल्शियम पाउडर है, या कोई और पाउडर है, तो उनकी प्रॉपर मिक्सिंग के लिए फीड में और इसके फ्लेवर के लिए जो भी हम चीज़ डालते हैं, एक चीज़ आप और देख लो, ये जो देख रहे हो ये सीरा, ये मोलासेस होता है, इसको सीरा भी बोल देते हैं, और इसका भी आपने इस्तेमाल अपनी फीड में करना है, यानी कि 3 से लेके 5 लीटर तक आप एक क्विंटल फीड में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इससे एक तो फीड का फ्लेवर बन जाता है और जो भी आप इसमें जो कम मात्रा में जितने भी कॉम्पोनेंट डालते हो तो उसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाती है। देखिए जहाँ पे जो भी प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पे जो हम जो फीड में जितने भी अनाज है या खली वगैरह है उसको ग्राइंड करना है, बारीक करना है, तो इसमें हम पहले मक्के को ऐसे ग्राइंड करेंगे, उसको ज़्यादा बारीक नहीं करना, मोटा मोटा इसको इसकी पिसाई करनी है और दलिया टाइप इसको बना लेना है। जहाँ पे आप देख रहे हो कि मक्के का ग्राइंडिंग करने के बाद ऐसा आपको फॉर्म मिलनी चाहिए, ऐसी
रहे हैं कि मक्का आपके पास तैयार हो, ज्यादा इसको बारीक नहीं होने देना और मोटा मोटा इसको ग्राइंड कर लेना है। देखिए फीड बनाने से पहले हमने जो भी इसमें अनाज लिया था तो उसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब हम आपको बताएंगे कि एक क्विंटल फीड में आपने ये जो भी चीजें हमने फीड के लिए ली है उसकी कितनी कितनी मात्रा इसमें डालनी है, तो इस चीज को आपने ध्यान से समझना है ताकि आपकी एक बढ़िया क्वालिटी की फीड तैयार हो सके। तो आइए, आपने सबसे पहले क्या करना है, जो एक क्विंटल फीड में आपने 30 केजी तक एक मक्का लेना है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कांटा रखा हुआ है इस पे हमने पूरा इसका वेट कर लेना है। और वेट करने के बाद जो भी आगे का प्रोसेस होगा, कितना हमने इसमें अनाज लेना है, कितना इसमें हमने फाइबर लेना है और कितना ही हमने इसमें जो खली है वो ऐड करनी है। सबसे पहले हम वेट कर रहे हैं एक मक्के का, जो भी हमने ये ग्राइंड किया हुआ मक्का है एक क्विंटल फीड के लिए हमने इसको 30 केजी तक इसको ले लिया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपने जो भी अनाज लेने हैं, अगर आपके पास 3 अनाज हैं जैसे गेहूं है, मक्का है या फिर जौ है, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कम रेट में जैसे जौ है या फिर मक्का है, उनमें से आप एक या दो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ पे हमने वेट किया है अभी जौ, मक्का और जौ का वेट किया है, जौ आपने इसमें ले लेने 10 केजी तक जौ लेने हैं। देखिए इसके बाद हमने जो दूसरा अनाज लिया था इसमें जौ ऐड किया और ग्राइंड करने के बाद हमने 10 केजी तक जौ इसमें ऐड कर लिया। एक क्विंटल फीड के लिए हमने 10 केजी जौ और 30 केजी मक्का लिया है। देखिए इसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट आता है, जो हमने इसमें खलें यूज़ की हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने सरसों की खल इसमें 7 केजी तक ली है, क्योंकि सरसों की खल है, चाहे कोई बिनौला खल है, चाहे DOC है जैसे कि सोयाबीन की, तो इसकी जो मात्रा हमने फीड में रखनी है एक क्विंटल में 20 से लेके 25 केजी तक रख सकते हो। और इसमें हमने सरसों की खली 7 केजी ली हुई है। देखिए अगर आपके पास दो तरह की खली है फीड में, तो आप इसमें दो तरह की खली भी डाल सकते हो। हमने यहाँ पे जो दूसरी जो खली डाली हुई है वो खल बिनौला है, यानी कि कॉटन सीड केक है, इसका भी हमने इसमें 7 केजी तक इसका वजन लिया हुआ है एक क्विंटल फीड में। तीसरा जो हमारे पास कंपोनेंट है खली का, वो है सोयाबीन की खली, DOC डीओइल्ड केक, जो सोयाबीन की खली है, इसका भी हमने इसमें, आप देख रहे हो कांटे पे, इसका भी हमने वजन एक क्विंटल फीड के लिए 7 केजी तक रखा है। हम अगर तीनों इसमें खली ऐड करते हैं तो अराउंड 21 यानी कि 21 केजी तक हमने इसमें खली ऐड की है एक क्विंटल फीड में। अगर आपके पास एक है तो आप उसका एक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए फीड में आपने अनाज और खल ऐड करने के बाद जो तीसरा पदार्थ है वो आपने क्या लेना है, वो है लेना है फाइबर। फाइबर में हमने जैसे आपको बताया था कि चने का छिलका और चोकर लेनी है, वो अगर आपके पास दोनों चीज़ें उपलब्ध है तो उसकी आधी आधी मात्रा में, उसकी आधी आधी क्वांटिटी आप ले सकते हो। जैसे जहाँ पे आप चोकर देख रहे हो, जो गेहूं की चोकर है, इसका वजन हमने 8 केजी तक लिया हुआ है और टोटल फीड में हमने जो भी फाइबर डालना है वो 15 से 20 केजी तक डाल सकते हैं। और दूसरा जो कंपोनेंट है फाइबर का, वो है चने का छिलका। जो चने का छिलका भी आपने 10 केजी तक अपने एक क्विंटल फीड में ले सकते हो, यानी कि टोटल अपने पास जो मात्रा आई है 15 से 20 केजी, यानी कि दोनों का वजन 18 केजी तक हमने फाइबर ले लिया इसमें। देखिए इसके अलावा आप अपनी फीड में जो चने की चूरी आती है वो भी ऐड कर सकते हो, और चने की जो दाल है, जो इसकी बारीक टूट होती है जैसे दालों की भी टूट होती है, वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। इसका जो वजन करना है आपने 8 से 10 केजी तक आप अपनी एक क्विंटल फीड में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए इसके बाद आपने एक क्विंटल फीड में नमक भी डालना है, जो आयोडीन युक्त नमक आता है मार्केट में, वही आपने साधारण नमक लेना है। वो 2 केजी नमक आपने एक क्विंटल फीड के लिए आपने 2 केजी तक वो नमक का भी यूज करना है। देखिए इसमें फीड में हम इसके अलावा कुछ पाउडर भी यूज करने हैं, पहले ही बताया था, और इसकी मात्रा कितनी कितनी रखनी है। जैसे इसमें सबसे पहले हम कैल्शियम पाउडर ले रहे हैं, एक क्विंटल फीड में हमने 2 केजी तक कैल्शियम पाउडर का यूज़ करना है। उसके बाद आ जाता है मिनरल मिक्सचर, जो भी हम बकरियों को इसकी खुराक में मिनरल मिक्सचर पाउडर डालते हैं, उसका भी हमने इस्तेमाल एक क्विंटल फीड में 1 केजी तक करना है। जैसे पहले हमने वजन किया था 2 केजी कैल्शियम पाउडर का, और उसी थैले में हमने 1 केजी तक मिनरल मिक्सचर पाउडर ऐड कर दिया। ये एक ऐसा पाउडर है, हमें बहुत से पहले भी इसके बारे में सवाल पूछे गए कि पाउडर जो बाईपास फैट होता है वो बकरियों में फीड में डाला जाता है, तो वो कितना डालना चाहिए,
वो भी हम इसको 1 kg तक इसकी 1 क्विंटल फीड में डाल सकते हैं, जो बाईपास फैट होता है, जो उन जानवरों के लिए होता है जो ज्यादा वीक होते हैं और प्रॉपर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता, और जो खाते हैं उनकी बॉडी को नहीं लगता, तो वो फैट अच्छे तरीके से नहीं बना पाते, तो उनमें आप बाईपास फैट का भी यूज कर सकते हो उनकी फीड में। उनके डाइजेशन के लिए आप मीठा सोडा है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट है। देखिए, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो आप जो देख रहे हो, जो 1/2 kg आपने 1 क्विंटल फीड में डालना है मीठा सोडा। देखो, एक चीज पहले मिस हो गई थी, ये जो आप पदार्थ देख रहे हो, ये जो आप सब्सटेंस देख रहे हो, ये है टॉक्सिक वाइंडर है। जब ज्यादा मॉइस्चर होता है यानी कि फीड में, तो क्या है कि फीड खराब हो जाती है, उसमें फंगस पड़ जाती है और उसका जानवरों को नुकसान भी रहता है। कि आपने इसमें फीड में टॉक्सिक वाइंडर भी यूज करना है। इसकी जो मात्रा रहती है, 100 ग्राम 100 kg फीड के लिए आप 200 ग्राम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका फायदा ये होता है कि ज्यादा मॉइस्चर वाले मौसम में, जहाँ फिर बरसात वगैरह होती है, तो तब फीड को फंगस लगने का ज्यादा खतरा रहता है। उस सीजन में आप ये टॉक्सिक वाइंडर भी इसमें यूज कर सकते हो। ये जो मेरे हाथ में देख रहे हो, ये है ईस्ट, यानी कि इसका भी आप अपनी फीड में इस्तेमाल कर सकते हो। इसका फायदा ये होता है कि जो भी हम इसको फीड डालते हैं उसका प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है, और 100 ग्राम इसको हम फीड में ऐड कर सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि उसके गोबर के थ्रू कोई भी अनाज साबुत बाहर नहीं आता और प्रॉपर डाइजेशन हो जाता है। देखिए, 1 क्विंटल फीड में हमने जो भी कॉम्पोनेंट डाले हैं उसको मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि इसमें कौन कौन से कितनी कितनी मात्रा में डाले हैं। सबसे पहले बात करें मक्के की, वो हमने 30 kg लिया है। जौ हमने 10 kg लिया हुआ है, और सरसों की खल 7 kg, खल बिनौला जो कॉटन सीड केक है वो भी 7 kg लिया हुआ है, सोयाबीन की जो खली है DOC वो भी 7 kg, और चना चूरी 10 kg, और चना छिलका लिया है जो फाइबर के रूप में वो भी हमने 10 kg, और चोकर 8 kg, नमक इसमें यूज़ किया है 2 kg, सीरा इसमें जो यूज़ करना है हमने इसके फ्लेवर के लिए, इसके मिक्सिंग के लिए, तो वो 4 kg, और मिनरल मिक्सचर पाउडर 1 kg, जो बफर होता है या फिर मीठा सोडा है वो हमने 1/2 kg इसमें यूज़ किया है, कैल्शियम पाउडर है वो 2 kg तक यूज़ किया है, जो बाईपास फैट है 1 क्विंटल फीड में हमने 1 kg लिया हुआ है, तो ऐसे टॉक्सिक बाइंडर है वो 200 ग्राम, और लाइव ईस्ट है जो वो भी हमने 100 ग्राम इस फीड में लिया हुआ है। ये पूरा जो फॉर्मूला है 1 क्विंटल फीड का है, और ये हम आपने अप्लाई करना है और इसका आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा अपने जानवरों में। देखिए, इसमें सबसे जो बड़ी बात है, सावधानी आपने क्या रखनी है कि जब भी आप फीड फैक्ट्री में फीड बनाने जाते हो तो आपने कम से कम 2 क्विंटल फीड तैयार करवानी है, क्योंकि अगर आप थोड़ी फीड तैयार करवाते हो तो उसमें जो भी आप स्मॉल एलिमेंट्स इसमें यूज करते हो, स्मॉल कंटेंट डालते हो, जैसे पाउडर है, नमक है, कैल्शियम पाउडर है, मिनरल मिक्सचर है, तो उनके प्रॉपर तरीके से क्या है कि मशीन के बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से उनकी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाती। अगर फीड की मात्रा ज़्यादा होगी तो वह बहुत अच्छे तरीके से मिक्स होगी और आपकी फीड में उसकी उतनी ही बढ़िया गुणवत्ता बनेगी। तो जहाँ पे आप देख रहे हो, जहाँ पे 4 क्विंटल फीड हमने अपने फार्म के लिए तैयार करवाई है, अब उसका आगे का प्रोसेस रहेगा कि इसको कैसे तैयार किया जाता है। तो आइए देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप जो देख रहे हो, जहाँ पे होल है अंदर तक इसको फीड को गिराया जाएगा, जहाँ पे एलिवेटर लगा हुआ है। एलिवेटर का क्या काम होता है कि जहाँ से ये फीड है, जो भी हमने इसमें रॉ मटेरियल डाला, उसको ऊपर ले जाएगा, और आगे वहाँ पे आगे देख रहे हो तो ग्राइंडर दिया हुआ है वहाँ पे, फिक्स है बीच में ही। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक ग्राइंडर है, फीड एलिवेटर के थ्रू इसमें पास करेगी और आगे आएगी। आगे आने के बाद इसमें ग्राइंड होगा, जो भी मोटा अनाज है, खली है, इसमें ग्राइंड होने के बाद आगे एलिवेटर के थ्रू मिक्सर में चली जाएगी। वो जहाँ पे आप बड़ा सा बकट बकट देख रहे हो, वो एक इसकी कीप होती है मिक्सर की, और मिक्सर में कीप के थ्रू आने के बाद जो भी सारा मटेरियल है वो मिक्सर में आता है। मिक्सर में हम इसमें पाउडर वगैरह, जहाँ कोई जैसे आपको बताया था इस साइड में पड़ा हुआ है मोलासेस, जो सीरा डालते हैं इसकी ग्राइंडिंग के लिए। देखिए, यहाँ पे मशीन ऑन हो चुकी है और आगे का प्रोसेस आप प्रैक्टिकली देख सकते हो कि देखिए आगे का प्रोसेस इस तरह से स्टार्ट होता है। जो भी हमने इसमें फीड के लिए जितने भी कंपोनेंट लिए उसको सबसे पहले एलिवेटर में पास किया, जैसे आप प्रैक्टिकली देख रहे हो, ये सारा मटेरियल आपने इस तरीके से आगे पुश कर देना है और अपने आप एलिवेटर इसको
ग्राइंडर की ओर ले जाएगा और आगे जो भी मोटी इसमें मोटा सब्सटेंस है, मोटी चीज़ें हैं, तो वो अपने आप इसमें मिक्स हो जाएंगी, इसमें ग्राइंड हो जाएंगी। जैसे मोटी खली है सरसों की और अनाज है, वो सारा इसमें ग्राइंड हो जाएगा अच्छे तरीके से। देखिए एलिवेटर के बाद क्या होता है कि जो सारा अपना रॉ मटेरियल है वो आ जाता है ग्राइंडर में। ग्राइंडर में इसकी ग्राइंडिंग होती है और आगे ये पास होता है एक एलिवेटर के थ्रू मिक्सचर में। जो बड़ा सा आप स्केयर टाइप एक देख रहे हो, यहाँ पे सामने मशीन है, एक बकेट है, उसमें सारी जो मटेरियल अपनी फीड है वो मिक्स होगी अच्छे तरीके से। और एक चीज का आपने ध्यान और रखना है, जब भी आप सारे मटेरियल को अपनी फीड को मिक्स करते हो तो कम से कम 10 से 15 मिनट तक उसको ऑन रखें, चलता रखें, ताकि जो भी इसमें आपने पाउडर वगैरह कम मात्रा में डाले हुए हैं उसकी प्रॉपर तरीके से फीड में मिक्सिंग हो जाए। देखिए कुछ इसमें सब्सटेंस ऐसे हैं जो हमने ग्राइंडर में डायरेक्ट नहीं डालने और आगे सीधे पास करवाने हैं, जैसे फाइबर है, चने का छिलका है, चोकर है, वो इस जगह से भी हम इसमें मिक्स कर सकते हैं और आगे एलिवेटर पंखे की मदद से जो ऊपर मिक्सर में चला जाएगा। जो मिक्सर है इसका जो अपना आउटलेट वॉल है, जहाँ से जो भी फीड आएगी नीचे इसी हिस्से में से बाहर निकलेगी। जी देखिए आगे हमने आपको बताया था कि जो भी हम पाउडर वगैरह, जैसे मिनरल मिक्सर पाउडर है, कैल्शियम पाउडर है, टॉक्सिक बाइंडर है, या फिर कोई और पाउडर हम इसमें ऐड करते हैं जैसे कैल्शियम है, तो उसको आप वहां से सीधा डायरेक्ट तो नहीं डाल सकते। और इसको हमने फीड जब ग्राइंड होने के बाद मिक्सर में आ जाती है तो ऐसे आपने ये जो कम मात्रा में हम जितने भी पाउडर या सब्सटेंस डालते हैं उसको हमने डायरेक्ट इसको मिक्सचर में ऐसे ऐड कर देना है और इसकी मिक्सिंग कर देनी है सारी फीड की। देखिए अब एलिवेटर और ग्राइंडर के बाद इसका काम स्टॉप हुआ और आगे हमारा जो मिक्सर है वो ऑन हो चुका है। इसमें जो सारी फीड अब इस बॉकेट में आ चुकी है, देखिए अब पूरा फीड है जो मिक्सर में आ चुका है। इसकी प्रॉपर मिक्सिंग के लिए अब इसमें मोलासेस डाला जा रहा है, जो सीरा बोलते हैं, इसकी प्रॉपर मिक्सिंग और फ्लेवर के लिए इसमें अब मोलासेस डाल दिया और अब पूरी फीड इसमें मिक्स हो रही है। इसको आपने कम से कम 10 से 15 मिनट चलते रखना है ताकि हर तरह का कण कण इसमें भीग जाए, इसमें अच्छा फ्लेवर मिल जाए, ठीक है। और अच्छे तरीके से आपको जो फीड है बढ़िया क्वालिटी की तैयार हो, तो उसके लिए मिक्सर ही सबसे बढ़िया, मिक्सर ही सबसे ज़रूरी होता है। देखिए जहाँ पर आप देख सकते हो कि मिक्स होने के बाद मिक्सर में सारी फीड अब तैयार हो चुकी है। अब इसको एक बैग में भरा जा रहा है। ये देखो बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है और बढ़िया क्वालिटी की फीड बकरियों के लिए। इसको ना तो हम जे ज्यादा ना तो बारीक है, इसको थोड़ा मोटा मोटा दलिया टाइप रखना है। ऐसे फीड बनके अपनी तैयार हो गई। अब जो बैग है इनको सील किया जाएगा। देखिए जो था कि हमारा आपको दिखाने का ये सारा प्रोसेस हमने दिखाया कि फीड कैसे बनके तैयार होती है और कैसे क्या सिस्टम होता है सारा। देखिए जो अच्छी क्वालिटी की फीड बनके बाहर आई है, आप जैसे कि बैगों में ये बैग्स में सारी फीड देख रहे हो आप, तो हमारा जी आपको बताने का मकसद क्या था कि देखो फीड फैक्ट्रियाँ हर एक एरिया में बहुत सारी खुल चुकी हैं। आपको ही पता है कि सारी फीड फैक्ट्रियाँ देखो कुछ ना कुछ फीड वाले जो कुछ गलत काम भी करते हैं, डायरेक्ट हम नाम तो नहीं ले पाएंगे उनका, और कुछ होते हैं आपके एरिया के विश्वास पात्र भी होते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी की फीड है जो आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन देखिए गॉड फार्मर से और कोई भी फार्मर है चाहे गाय भैंस बकरी पालन जो भी कर रहा है, हमारी उनसे यही गुजारिश रहेगी कि हम उनको यही अपनी ओर से ये सुझाव देना चाहेंगे कि जैसा कि हमने आपको प्रैक्टिकल तौर पर सारा इस वीडियो में दिखा दिया कि कौन कौन से ग्रेडियंट है जो फीड में डलेंगे और कितनी कितनी मात्रा में डलेंगे, और सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप उनके पास जाके उनके पास रुक के आप सामने रख के उनके सामने सामान डलवाइए, जो कि फीड में सामान आपने डालना है वो सारा उनके सामने डाला जाए। तो उस तरीके के क्या है कि आपको रिजल्ट भी है अच्छे मिलेंगे। अगर आप मार्केट से रेडीमेड फीड बन के जो बनी बनाई फीड होती है, रेडीमेड फीड आती है, काफ़ी सारी कंपनियां बनाती हैं, वो लेते हो, देखिए पहली बात तो आपको ये नहीं पता है कि उनमें क्या डाला गया और क्या वो आपको खिला रहे हैं आपके जानवरों को, आप उनकी बॉडी का भी नुकसान कर रहे हो और आपको फीड का कोई प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा, जानवरों को कोई अपना उसका नुकसान हो रहा है और आपका पैसा भी वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए क्या है कि आप फीड पास जाकर
फैक्ट्री वाले को बोलो कि ये सामान हमने डालना है, तो फिर ही आप अपने जानवरों के लिए फीड तैयार करवाइए। क्यों, लाइव स्टॉक का काम कोई भी कर रहे हो, देखिए जो फीड होती है उसका, फीड का बहुत महत्व रहता है हर एक काम में। जैसे कि एनिमल, चाहे कोई गाय भैंस का फार्म है किसी का, चाहे बकरी का है, तो फीड एक बहुत बड़ा मायने रखती है अपने अंदर, बहुत बड़ा रोल करती है। जिससे क्या है कि आपकी बकरियां, जैसे बकरी फार्म कर रहे हो, बकरियों ने हीट में भी आपने तभी आना अच्छे तरीके, जब आपकी फीड बढ़िया तरीके से आप उनको संतुलित आहार है जो मिल रहा है, उनकी बॉडी में जो जो प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, जो जो चीज़ की कमी है वो उनको पूरी मिल रही है, ठीक है। और मिनरल मिक्सचर, जैसे कि खनिज मिश्रण है, उनके बॉडी के जो मेन मेन तत्व होते हैं, उन सभी चीज़ों को, उनकी जो पूर्ति है वो फीड से पूरी होनी है। देखो जो आप सूखा चारा खिला रहे हो बकरियों को, चाहे आप उनको दूसरा है कि ग्रीन फूडर खिला रहे हो, उनसे क्या है कि उनका एक पेट भरेगा, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में बॉडी को पावर देनी है वो आपकी फीड नहीं देनी है। तो फीड आपकी जितनी अच्छी क्वालिटी की होगी तो आपको क्या है कि वो आपको जानवरों को आपको उतने ही ग्रोथ में फ़र्क पड़ेगा और उनके जो प्रोडक्शन में आपके बाधा होगा अच्छे तरीके से। और जैसे कि देखो हम आपको बता दें कि कोई भी फार्मर है, अगर हमारा फार्म जो है 3.5 साल से बकरियों का फार्म चल रहा है और हमने IBRI से फीड की जो क्या ट्रेनिंग भी ली हुई है प्रॉपर तरीके से, और उसका कारण क्या था, यही था कि हम इसकी जो डाइट है उसमें थोड़ा सा सुधार लेके आ सकें। तो जैसे कि हमारे एरिया में ये फैक्ट्री है GS फीड फैक्ट्री, जैसे कि आप देख रहे हो, तो जहाँ पे कह के हम काफ़ी 3.5-4 साल से जहाँ से फीड बन के हमारे जानवरों के लिए रेगुलरली जा रही है, तो ये सारे ग्रेडियंट जो है, क्या सबसे पहली बात है कि अगर आप जहाँ पे आओगे तो आपको दूसरी पहली बात यह है कि सामान की फुल गारंटी मिलेगी कि जो चीज़ फीड में डाली गई है बिल्कुल प्योरिटी में है, ठीक है। क्योंकि हमारे को इस चीज़ का क्या है कि हमें रिजल्ट मिला है तो हम आप फिर ही आगे रेफर करते हैं, क्योंकि आपको बताया था कि पहले जो भी चीज़ होती है ट्रायल होता है SR कमर्शियल गॉड फार्म पे, उसका ट्रायल लगाया जाता है और उसके बाद ही आगे हम फार्मर को बताते हैं अगर हमको उस चीज़ के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। जैसे कि हमारे आसपास के एरिया के जो कि जैसे कि ये फीड फैक्ट्री का एड्रेस है कालांवाली मंडी में है, कालांवाली मंडी सिरसा हरियाणा, तो आपको गूगल पे कहीं भी सर्च कर सकते हो और आप डायरेक्ट हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी फार्मर ने कोई अच्छी तरीके की फीड बनवानी है, किसी भी गाय भैंस के रिगार्डिंग, चाहे बकरी की फीड है, कुछ भी है, तो आप इनसे आके स्पेशल डायरेक्ट मिलके आप जहाँ से फीड तैयार करवा सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि क्वालिटी की, अगर आपको क्वालिटी अच्छी मिल रही है तो आपके सारे पैसे जो आप उस पे ऊपर लगा रहे हो वो आपके सारा पैसा काम आएगा, आपका वेस्ट नहीं जाएगा। तो आप क्वालिटी पे जाइए, मेन आपका हमारा आपको यही सुझाव है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि बकरी पालन के रिलेटेड ऐसी जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ है सारी आपके साथ हम शेयर करते रहते हैं। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।